पाटलिपुत्र, जिन्हें आज लोग हम पटना के नाम से जानते हैं, एशियंट इंडिया का एक प्राचीन शहर था जिसकी स्थापना 490 ईसा पूर्व के आसपास उस समय के मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा एक किले के रूप में किया गया था, जिसे बाद में अजातशत्रु के बेटे तथा उस समय के मगध सम्राट उदयन द्वारा सोन और गंगा नदी के मध्य इस शहर की नींव रखी गई और मगध की राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया गया। अगर इसके नामों की बात की जाए कि इसका नाम पाटलिपुत्र कैसे पड़ा, तो अगर इसके नामों को दो भागों में अलग किया जाए तो यह बनता है पताली, जो कि एक पताली ट्री को संदर्भित करती है, और वहीं पुत्र एक बेड़े को संदर्भित करती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसे मूल रूप से पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था, लेकिन वही कुछ विद्वानों का कहना है कि यह पतालीपुत्र पतालीपुरा का रूपांतरण है। यह शहर आगे चलकर कई बड़ी शक्तियों का केंद्र बना, जैसे कि शेषनाग वंश, नंदा एम्पायर, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर और पाला एम्पायर तक यह पूरे साम्राज्य का केंद्र बना रहा। कुछ ग्रीक इतिहासकार जैसे मैगसिनिस के अनुसार यह शहर कुशल शासन व्यवस्था में दुनिया के प्रमुख शहरों में से एक था, और मौर्य काल के दौरान यह शहर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था, जहाँ की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था काफ़ी सुव्यवस्थित थी। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 1.5 लाख से 4 लाख के करीब बताई जाती है। स्टैरबो, जो कि एक यूनानी लेखक और दार्शनिक थे, उन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए लिखा है कि शहर की दीवारें लकड़ी की बनी हुई थीं, जिन्हें बाद में सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान ज़्यादातर लकड़ी से बने संरचना को धीरे धीरे पत्थर में बदल दिया गया। अशोक को एक महान निर्माता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कई स्मारकों का निर्माण किया जो आज भी देखे जा सकते हैं। लगभग 400 ईडी के आसपास जब फाया ने भारत का दौरा किया तो पाया कि यहाँ के लोग अमीर और समृद्ध थे, जो सदाचार और न्याय का पालन करते थे। उन्होंने पाया कि यहाँ के अमीरों ने कई अस्पतालों का निर्माण किया, जहाँ सभी देशों के गरीब, निर्वासित, अपाहिज और बीमारों का इलाज किया जाता था। उन्हें हर तरह की मदद मुफ्त मिलती थी। हालांकि हिंसा, जिन्होंने फायान के लगभग 200 साल बाद जब यहाँ का दौरा किया तो पाया कि शहर काफ़ी हद तक खंडर में तब्दील हो चुका था। अगर बात करें यहाँ के हिस्टोरिकल इवेंट्स की, तो बताया जाता है कि यहाँ पे सेकंड पुंतिस काउंसिल, जो सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान हुआ था, तथा तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल, जो 250 BC के आसपास हुआ था। हालांकि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था, और वैशाली के बारे में एक फैक्ट यह भी है कि वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है, और वर्तमान में यह भारत में एक पुरातात्विक स्थल है। एजेंट की द इंडिका के अनुसार मेगास्थनीज का कहना है कि एक तरफ जहां यह सबसे लंबा है, यह शहर 10 मील लंबाई में फैला है और उसकी चौड़ाई 1 3/4 मील है। शहर 600 फीट की चौड़ाई और 45 फीट की गहराई में खाई से घिरा हुआ है, तथा इसकी दीवार में 570 मीनारें और 64 द्वार हैं। हालांकि प्राचीन शहर के कुछ हिस्सों की खुदाई की गई है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी आधुनिक पटना के नीचे दबा हुआ है। कुम्हरार, बुलंदीबाग और आगम कुआं सहित विभिन्न स्थानों की खुदाई की गई है। 16वीं शताब्दी के आसपास शेरशाह सूरी ने इस शहर को फिर से पुनर्जीवित किया, जो कि 7वीं शताब्दी के बाद से गिरावट में था, और इसका नाम पाटलिपुत्र से बदलकर पटना रखा गया, और तब से लेकर आज तक यह शहर पटना के नाम से जाना जाता है। तो ये थी पाटलिपुत्र के इतिहास को लेकर एक वीडियो। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।